आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस और वेटनरी के स्कोप के बारे में, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रह सकती है 2020 में। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने मेरी बुक डाउनलोड की थी उनके मोबाइल नंबर जब मेरे पास आते हैं तो मैं एक बार उनसे कॉन्टेक्ट जरूर करता हूँ। जब मैं उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ तो ज्यादातर स्टूडेंट का यही डाउट है, जिनके मार्क्स कम है तो वो यही पूछते हैं कि वेटनरी और बीएमएस में क्या स्कोप है, इन दोनों में से कौन सा कोर्स सही रहेगा। तो एक तो इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसके काउंसलिंग प्रोसेस के साथ साथ इसमें हम इसकी कट ऑफ के बारे में भी जानकारी लेंगे। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है बीएमएस और वेटनरी के बारे में, तो मैंने इसके बारे में सेपरेट बुक बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और ट्यूशन फीस के बारे में अच्छी तरह से समझा रखा है। तो इसमें आप अपने कौन से नंबर पर आपका आ सकता है प्रीवियस ईयर से 25 से 30 मार्क्स जोड़कर देख सकते हैं इसमें। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें स्कोप की, बीएमएस और वेटनरी में क्या स्कोप है। तो दोस्तों, वेटनरी और बीएमएस में दोनों में बराबर सी ही स्कोप है। मैं आपको सच बताऊं तो इसमें स्कोप बहुत ही कम है, गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है और इसमें खुद का जो हॉस्पिटल है वो एस्टेब्लिश करने में थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा होता है। तो इसमें अभी ज्यादातर डाउट स्टूडेंट का ये रहता है कि इन दोनों कोर्स में अच्छा कौन सा है। तो दोस्तों, मेरे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें वेटनरी कोर्स आपके लिए ठीक हो सकता है और ये स्टूडेंट दोनों कोर्स, स्कोप तो कम है लेकिन मजबूरी में चूज करते हैं। मजबूरी का मतलब यह है कि जिन स्टूडेंट के 3 से 4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं और वो फर्दर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, और या फिर उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी कट ऑफ कम है और वो उस कट ऑफ तक वो नहीं आ पा रहे हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मजबूरी में स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बोलूंगा कि वेटनरी में थोड़ा सा बीएमएस की बजाय ज्यादा स्कोप है क्योंकि स्टूडेंट इसको ज्यादा लाइक करते हैं। अब हम इसके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो बीएमएस का काउंसलिंग करवाया जाता है, बीएमएस का AAACCC के द्वारा काउंसलिंग करवाया जाता है। इसमें सारे कोर्स आते हैं, बीएचएमएस आता है, बीएसएमएस आता है और बीओएमएस आता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगा, 5-10 दिन के अंदर अंदर ही शुरू हो जाएगा क्योंकि एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के 5 या 7 दिन के अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है 2019 को देखते हुए, क्योंकि उसमें पिछली बार भी ये जल्दी ही स्टार्ट हो गया था। इसी प्रकार से हम वेटनरी की बात करें तो वेटनरी का जो काउंसलिंग अथॉरिटी है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, वो VCI है, वो भी जल्दी ही शुरू कर देता है। अभी उसके 5 से 10 दिन के अंदर उसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की संभावना होती है। अभी हम बात करें इसमें बीएमएस के 85% स्टेट कोटा की, तो 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी करवाती है, ये नीट स्कोर पर ही होता है। इसके बाद में वेटनरी की बात करें तो वेटनरी के 85% के लिए स्टेट अपना अपना एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं कुछ स्टेट, और कुछ स्टेट नीट स्कोर पर भी एडमिशन लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप अगर आयुष के या फिर वेटनरी के 85% स्टेट कोटा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी के टच में रहें, वो जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हमें इसकी बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें हम बीएमएस की, बीएमएस की कट ऑफ वेटनरी की कट ऑफ से कम जाती है। तो बीएमएस की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए बीएमएस की कट ऑफ रह सकती है इस बार जनरल कैटेगरी के लिए 530 से 535 मार्क्स, इस प्रकार से ये कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम जनरल कैटेगरी के लिए बीएचयू की बात करें तो बीएचयू के लिए 575 से 580 तक कट ऑफ रह सकती है, और एनआईए जयपुर की बात करें, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसकी 565 से 570 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है एनआईए जयपुर की।
और BHU का मैंने जो आपको बताया है 575 से 580 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है BHU की। अब SC कैटेगरी की BMS की बात करें तो SC कैटेगरी की जो BMS की कट ऑफ है वो 415 से लेके 420 तक जा सकती है, और ST कैटेगरी की हम बात करें तो 400 से लेके 405 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है ST कैटेगरी की BMS के केस में। अब हम बात करते हैं वेटनरी के कट ऑफ की, तो वेटनरी की जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो जनरल की कट ऑफ 540 से 545 तक जा सकती है वेटनरी की कट ऑफ। अब हम बात करें इसे ST कैटेगरी की, तो 425 से SC कैटेगरी की 430 तक कट ऑफ जा सकती है, और ST कैटेगरी की बात करें तो 420 से लेके 425 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है वेटनरी के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी BMS के बारे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट को इसके बारे में काफी डाउट्स थे, तो जो डाउट्स थे मैंने दूर कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कल के डाउट सेशन में हम नए डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।